वेलकम टू वेदत नीट। मैं हूँ आपकी मधुदी और आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से बायोलॉजी की एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग रिकॉल करेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स के बारे में, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ओके, देन आफ्टर हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स वो जो आपके दो तरह के बेसिकली, वह अमाइनो एसिड जिनका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जिन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में किया जाता है उन्हें प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और जिन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में नहीं किया जाता है उन्हें हम नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और रही बात स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो इसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन देखा, और यहीं पे हम लोगों ने क्या देखा था, तो हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अल्फा हेलिक्स की, और अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं बीटा प्लीटेड शीट की। ओके, तो चलो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल हमने देख लिए थे अल्फा हेलिक्स के और अब हम लोग बीटा हेलिक्स देखने वाले हैं। चलिए बीटा प्लीटेड शीट को देखते हैं। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि आपके बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं इनकी अगर बात की जाए तो इनमें अल्फा अमाइनो एसिड्स की तरह जो है, या यूं अल्फा हेलिक्स की तरह जो है, इनमें टर्न्स नहीं होते। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि बीटा शीट्स डू नॉट हैव टर्न, इनमें टर्न्स नहीं होते। ठीक है, टर्न्स लाइक अल्फा हेलिसेस। ठीक है, बजाय इसके इनमें क्या मौजूद होता है, तो इंस्टेड दे कंसिस्ट एक्सटेंडेड स्ट्रैंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, मतलब कि बीटा शीट में अल्फा हेलिसेस की तरह इनमें टर्न्स नहीं होते। ओके, और साथ में बीटा शीट्स में आपको क्या मिल जाएंगे, एक्सटेंडेड स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे, मतलब कि हमारी जो अमाइनो एसिड की जो स्ट्रैंड होने वाली है वह एक्सटेंडेड होगी। ओके, आगे बात करते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होंगे, ठीक है, और अगर उसकी लेंथ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि लेंथ जो होगी बीटा अमाइनो एसिड्स की, ये आपकी वैरी करती है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ दीज स्ट्रैंड्स, द लेंथ ऑफ दीज strands can vary, okay, ये vary कर सकते हैं, but typically a strand in बीटा शीट हैज 5 to 10 अमाइनो एसिड्स। मतलब इनमें कितने अमाइनो एसिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 to 10 अमाइनो एसिड्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान देंगे कि बीटा शीट्स जो बने होते हैं ये आपके कैसे बनेंगे, तो दो लाइन सेगमेंट आपकी होगी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होगी उनसे। ओके, तो हम लिखेंगे इसको कि बीटा शीट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर segments of
अमाइनो पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली, क्योंकि आपको पता होगा खूब सारे जब अमाइनो एसिड एक साथ जब मिलते हैं तो हम लोग उनको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो कहा गया सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन चेन्स लाइन अप साइड बाय साइड ओके। और ये जो लाइन आपकी होगी ये या तो पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगी, और हम कहेंगे कि दीज सेगमेंट्स ओके कैन रन इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ओके, जिसको कि हम कहेंगे पैरेलल ओके, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन जिसे हम कहेंगे एंटी पैरेलल ओके। यानी ये सेगमेंट जो होंगे जो एक साथ मिल करके ये क्या बनाएंगे, जिगजैग फॉर्म जो बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि या तो ये क्या होंगे, या तो इनका डायरेक्शन जो है वो एक होगा पैरेलल होंगे, या तो इनका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा एंटी पैरेलल होगा, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे के साथ कैसे मौजूद होंगे, एक दूसरे के साथ आखिर ये दो स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए होंगे कैसे, तो वाया हाइड्रोजन बॉन्ड ओके। उनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगी। तो हम लिखेंगे कि दीज स्ट्रैंड्स हेल्ड टुगेदर held together by hydrogen bond between किसके बीच, तो between carbonyl oxygen of one strand and the amide hydrogen of the adjacent strand मतलब ठीक उसके बगल वाला जो स्ट्रैंड होगा उसके अमाइड हाइड्रोजन के साथ इनकी बॉन्डिंग होगी ओके स्ट्रैंड ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि ये जो शीट लाइक जो अरेंजमेंट होती है इनके इनके बीच में ध्यान दीजिएगा जो बॉन्डिंग जो आपकी हो रही है कि कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच, मतलब समझिए कि ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, इनका जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होगा और इनका जो आपके अमाइड ग्रुप का जो हाइड्रोजन होगा इनके बीच क्या होगी बॉन्डिंग होगी, और ये बॉन्डिंग जो है वह कुछ इस प्रकार से होती है कि यह दोनों स्ट्रैंड जो हैं वह जिगजैग फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं ओके। तो इसके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं कि द शीट लाइक अरेंजमेंट ओके अलाउज फॉर
अलाउज फॉर, और जिग जैग और प्लीटेड। प्लीटेड किसको कह रहे हैं? तो आपने कभी अगर पेपर से अगर फैन वैन बनाया होगा, जैसे एक शीट ऑफ पेपर है इस तरह की, ठीक है, और इसको जो है हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, मतलब एक मतलब ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन में हम इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस पे ना इस टाइप की अपीयरेंस जो है वो आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये देखिए, इसको क्या किया गया है, इस पेपर को जो है ऑल्टरनेट डायरेक्शन में क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है, देख सकते हो। तो ये जो पैटर्न है ना बच्चे, इसी पैटर्न को हम लोग जिगजैग या प्लीटेड, प्लीटेड मतलब बेसिकली मम्मी जब साड़ी पहनती है तो वो क्या करती है, प्लेट्स बनाती है ना, बिल्कुल उसी तरह, मतलब क्या करती है, वो साड़ी को फोल्ड करती हैं, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही कि पेपर को भी आप क्या कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो। इससे देखो आप साफ साफ, आपको देखो यहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिख रही है, ये जो है निशान आपको दिख रहे हैं कि कैसे ये जो है आपस में फोल्डेड है, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट आपको कहाँ दिखता है, ये बीटा शीट में दिखता है, ठीक है। चलिए एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि द शीट लाइक अरेंजमेंट अलाउज फॉर अ जिगजैग और अ प्लीटेड अपीयरेंस, अपीयरेंस, ओके। इसी वजह से इनका बीटा शीट जो है वो क्या पड़ा है, नाम पड़ा है, ओके बात समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और ध्यान देंगे कि हमारे जो वेलाइन, आइसोल्यूसीन और फिनाइललाइन जो हैं, ये आपके बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ही इनका है। जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, एग्जाम्पल ऑफ बीटा अमाइनो, बीटा शीट्स लिखते हैं, ओके। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल ऑफ बीटा शीट फॉर्मिंग अमाइनो एसिड, वह अमाइनो एसिड जो बीटा शीट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, पहला जो एग्जाम्पल होने वाला है यह है हमारा वेलाइन, ठीक है। इसके लिए आपको याद होगा हम लोग तीन लेटर का हम लोग एब्रिवेशन लिया करते थे, तो क्या हो जाएगा, VAL, ठीक है। अच्छा ये कैसा अमाइनो एसिड है, तो ध्यान दीजिएगा यह एक किस्म का हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, और हाइड्रोफोबिक वर्ड आपको याद होगा, अगर आप शुरू से अगर आप हमारी क्लास अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा था उसी दौरान हमने जो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक वर्ड का हमने जिक्र किया था, इसके बारे में हमने समझा था। इवन दो हमने इसके पहले जो हम लिपिड्स जब पढ़ रहे थे उस दौरान भी हमने इस बात का जिक्र करा था, ओके। तो चलिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोफोबिक वह होते हैं, फोबी वर्ड फॉर द फियर, ठीक है, फोबिक जो वर्ड है ये फियर को डिनोट करता है, मतलब कि हाइड्रो जैसे वाटर, सिंपल सी बात है, हाइड्रो वाटर के लिए है और फोबी जो है ये आपके फियर के लिए है, यानी जिसको पानी से डर लगे उसको क्या है, हाइड्रोफोबिया है, और जो आपके अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं मतलब कि ये पानी में इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, और तो और ये पानी से दूर भागेंगे, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये वलाइन क्या है, अ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो के क्या होते हैं, दैट फिट्स वेल इन बीटा शीट स्ट्रक्चर। बीटा शीट स्ट्रक्चर में वलाइन जो है वो कम्प्लीटली फिट होते हैं, और मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि ये उसी के लिए बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कौन सा है, वो हमारा होने वाला है आइसोल्यूसीन, आइसो ल्यूसीन। चलिए इसके लिए जो एब्रिवेशन जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे,
आइसो का आई हम लोग लेंगे, ठीक है, और ल्यूसीन का एल ई लेंगे, ठीक है, तो आई एल ई है, इसको आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है एब्रिवेशन को इसके, ठीक है। तो आइसोल्यूसीन जो है यह भी आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ही है, ऑल्सो अ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो क्या करते हैं, दैट स्टेबलाइज स्टेबलाइजेस द शीट थ्रू द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के जरिए ये बीटा शीट को स्टेबलाइज रखने का काम करते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ठीक है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है वह है फिनाइललानीन, ठीक है। फिनाइललानीन इसके लिए जो हम लेंगे एब्रिवेशन ये हो जाएगा पी एच ई, ओके। और अब इस अमाइनो एसिड के बारे में बात कर ली जाए तो ये आपको पता होगा कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, थीके? तो हम क्या लिखेंगे, एरोमेटिक साइड चेन, एरोमेटिक साइड चेन कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड स्टेबलाइज द बीटा शीट। मतलब कि इस फिनाइललानीन के जो एरोमेटिक जो साइड चेन हैं, ठीक है, जहाँ पे बेंजीन रिंग आपकी मौजूद होंगी, ठीक है, ये आपस में ही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं, ओके, और आपस में इंटरैक्ट करके ये उस बीटा शीट को स्टेबलाइज बनाने में मदद करते हैं। स्टेबलाइज रखने का मतलब ये है कि ये जो जिगजैग फॉर्म है ना, इस जिगजैग फॉर्म में इसको बनाए रखने में मदद करते हैं, ओके। चलिए तो आई होप कि ये चीज़ जो है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारी ये बीटा शीट जो अमाइनो एसिड है ये पाई कहाँ जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कहेंगे कि बीटा शीट फाउंड इन द कोर रीजन The core region of globular proteins के core region में ये पाए जाएंगे और इनका काम होगा कि globular protein के जो structure है उसको ये क्या करे, stable करे, ठीक है, to provide a stable compact structure उस ग्लोब्यूलर प्रोटीन को एक स्टेबल और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, ये बीटा शीट का काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के लिए ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो सिल्क प्रोटीन फिब्रियन होती है, ओके, जिसमें कि आपके ये बीटा शीट जो है पाए जाते हैं। यही रीज़न है कि सिल्क जो होते हैं वह काफ़ी मज़बूत होते हैं, लेकिन मज़बूत के साथ साथ वह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखने वाली हूँ एग्जांपल के तौर पे कि ये जो है बीटा शीट
बीटा शीट आर मेजर कंपोनेंट, आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिल्क प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्क प्रोटीन, सीधे सीधे फिब्रियन नाम दे दिया ओके, और आपसे पूछा गया बताइए फिब्रियन जो है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिब्रियन जो है ये हमारी सिल्क प्रोटीन है ओके। तो जहां पे ये बीटा शीट क्या करेगी, विच गिव्स, हाँ जी विच गिव्स सिल्क इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बीटा शीट जो है सिल्क प्रोटीन में मौजूद रह के क्या करती है, उस सिल्क को स्ट्रेंथ और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है ओके। तो आपसे ये हो सकता है इस टाइप से पूछा जाए कि आपके जो सिल्क होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ काफ़ी स्ट्रेंथन भी होते हैं, मतलब कि एक तो वे बहुत ज़्यादा मुलायम, बहुत ज़्यादा रेशम, उसी को रेशम बोलते हैं ना सिल्क को ही, तो एक बात बताओ एक तो वो इतने मजबूत होते हैं, रेशमी मुलायम होते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो आप बताओगे कि ये कौन है इसके पीछे, इसके पीछे का बीटा शीट अमाइनो एसिड है जो कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और यही बीटा शीट अमाइनो एसिड जो है इनके जो जिगजैग जो शेप है ना ये हमारे सिल्क को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रोटीन जो है सिल्क प्रोटीन जिसे हम फिब्रियन के नाम से जान रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके। चलिए अच्छा एक बात, अब सवाल ये उठता है, आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि अच्छा दी एक बात बताओ, ये तो हो गया कि सिल्क में पाए जाते हैं, और कहीं नहीं पाए जाते क्या? अरे भाई पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम लिखने वाले हैं कि दे ऑल्सो फाउंड, ये कहाँ और पाए जाते हैं, तो दे ऑल्सो फाउंड इन इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, किसमें, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन ओके, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स में पाए जाएंगे। ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या है, एंटीबॉडी है भाई साहब, क्या है, एंटीबॉडीज है। और यहाँ पे इनमें क्या होते हैं ध्यान देंगे, इसके अलावा ये बीटा शीट्स जो है इम्यूनोग्लोबिन्स के अलावा कई सारे एंजाइम्स एंड इन मेनी एंजाइम एंड इन मेनी एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स में भी जो है ये पाए जाते हैं ओके। और साथ में हम बोलेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोटीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड फंक्शन। प्रोटीन की ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है, उनकी फंक्शंस जो है वो सही तरीके से हो, जाहिर सी बात है इन, क्योंकि स्टेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है ठीक है, तो प्रोटीन की ओवरऑल स्टेबिलिटी और उनको बेटर फंक्शन प्रोवाइड करवाने में इसका यानी इस बीटा शीट का बहुत बड़ा रोल होता है ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, आपके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, क्योंकि हम लोगों ने कौन कौन स्ट्रक्चर देख लिए, तो बेसिकली हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देख लिए, और अब हम लोग मूव करने वाले हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे ठीक। आ जाइए टर्शरी स्ट्रक्चर, चलिए बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें
प्रोटीन जो होंगे वो हाईली फोल्डेड होते हैं, ओके, हाईली फोल्डेड होंगे, और एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनका जो अपीयरेंस होगा ना वह ग्लोब्यूलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कैसे, अभी बताती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये इस टाइप से देख रहे हो, ये जो प्रोटीन जो है आपको यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा अगर क्लोज, क्योंकि मैंने ये फैला हुआ ये दिया है ना यहाँ पे, देखो ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये काफ़ी एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है। इसको अगर इकट्ठे अगर किया जाए तो डोंट यू थिंक कि ये जस्ट अ ग्लोब्यूलर फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। तो अब इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि जो प्रोटीन होगी इस स्ट्रक्चर में, हम कहेंगे कि प्रोटीन इन दिस स्ट्रक्चर आर हाईली कॉइल्ड, हाईली फोल्डेड, गिविंग देम राउंड और ग्लोब्यूलर अपीयरेंस, राउंड ग्लोब्यूलर अपीयरेंस, ओके। अब आगे बात करते हैं कि यह जो होंगे दिस प्रोटीन, दिस प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन वाटर, इनको पानी से कोई डर नहीं लगेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे ना वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ओके। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, कि तो चलिए लिखते हैं कि इनके जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उनकी अगर बात की जाए तो हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स the strongest bond the strongest bond okay और ये क्या करेंगे, लिंक करेंगे, लिंकिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है प्रोटीन के, अमीनो एसिड और कौन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ओके ऑफ प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट जो हम बात बोलने वाले हैं कि इनमें जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करेंगे। टर्शरी प्रोटीन जो है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, इनमें क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प टू होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर, टू हेल्प हेल्प टू होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर, एक साथ उसको बनाए रखने में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मदद करेंगे, ओके। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे कि इनमें क्या होगा कि आपके अमीनो एसिड जैसे कुछ अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन हो गए, उनके बीच जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो देखने को मिलेंगे कौन होंगे, सल्फर, सल्फर के बीच। देखो कुछ मैंने आपको बताए थे कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर मौजूद होते हैं, तो वह होते हैं आपके सिस्टीन, और इन सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड है बच्चे, इनमें जो बॉन्ड मौजूद होंगे वह होंगे डाइसल्फाइड। तो हम बोलेंगे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड,
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है, बिटवीन बिटवीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, बिटवीन सल्फर 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 कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, मतलब मान लीजिए कि दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं तो इनके बीच क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के बारे में। ओके तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है इसके बारे में बात करेंगे कि ये बॉन्ड बनते हैं कहाँ, तो बोलेंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म्ड बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन बिटवीन अमाइनो एसिड दैट अवॉइड वाटर, वह अमाइनो एसिड जो कि वाटर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और वो कौन हो जाएंगे, तो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स, ठीक है चलिए। और एक और चीज, इसमें आयनिक बॉन्ड भी मौजूद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या कहा, पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होंगे जो कि अमाइनो एसिड्स को लिंक करने का काम करेंगे। ओके हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे जो कि आपके स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम करेंगे, एक साथ बनाए रखने का काम करेंगे। वहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे जो कि अगर इसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स लाइक सिस्टीन अगर मौजूद है, कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, ले देती हूँ, यहाँ पे मैं ले देती हूँ लाइक सिस्टीन, या फिर मैं एग्जाम्पल देके लिख देती हूँ यहीं पे, एग्जाम्पल सिस्टीन। ओके चलिए तीन, ओके आ जाइए। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अब इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद हुआ, फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मौजूद हुआ जो कि वह अमाइनो एसिड के बीच में होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक और बॉन्ड आता है जो कि होने वाला है हमारा आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड जो है ये कहाँ पाए जाएंगे, तो चलिए इसके बारे में भी जिक्र कर लिया जाए कि ये आयनिक बॉन्ड आपके जो ऑपोजिट चार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे ना उसके बीच में होंगे। तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स या बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड चार्ज्ड एंड ऑफ द end of the protein molecule, protein molecule के जो opposite end होंगे ना, जिनके ऊपर charges जो मौजूद होंगे, opposite charge होंगे, उनके बीच जो bond बनेगी उसको हम लोग ionic bond बोलेंगे, protein molecule। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपसे बॉन्डिंग के सिलसिले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि टर्शरी प्रोटीन में, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड अपीयर होते हैं। तो याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो के कहाँ होता है, अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है, अमाइनो एसिड को लिंक करने का काम करता है।
दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या करता है, एक साथ बनाए रखने में काम करता है। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। वहीं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वह बॉन्ड जो कि आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। और फिर पांचवा आपका हो गया आयनिक बॉन्ड, यानी के प्रोटीन के जो एंड्स हैं उनके ऊपर जो ऑपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच जो आपकी बॉन्ड बनेगी उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे कोई कहता है ना कि बेटा पेपर जो है उसका लेवल टफ होने वाला है, तो समझो कि पेपर का लेवल टफ कहाँ होगा, यहाँ पे आपसे पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इन सारी बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीटली तो आपकी NCERT भी बात नहीं करती ना, तो इस पे तो पूछेंगे ना। कंपटीशन का मतलब ही है कि थोड़ा सा लेवल अप हो करके आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको पहले से तैयार रहना है। और तैयारी से याद आई कि सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लेक्चर देखने के साथ साथ PYQs की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने आपको जो रिलेवेंट बुक आपके लिए जो होने वाले जो यूज़फुल बुक है इसकी मैंने लिंक जो है, बुक की लिंक जो है वो मैंने पेस्ट कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए चेकआउट कीजिए और उसे परचेस कीजिए। अब कब परचेस करोगे भाई? अब तो सितंबर आ गया, अब कब करोगे बताओ? इतना लेट करोगे तो फिर तो धीरे धीरे वही चीज़ हो गई ना, फिर तुम दूसरे बच्चों की तरह जो है एंड टाइम पे तुम ढूंढोगे, अरे यार मेरे को कोई प्रैक्टिस करवा दे, ये करवा दे। तो भाई टाइम अभी है, अभी आपके पास अभी भी मैं कहूँगी कि टाइम है अच्छा खासा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फटाफट से बुक को ले लो और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट्स आएंगे, प्रैक्टिस हो ही इसलिए होते ही इसलिए हैं। अब प्रैक्टिस करोगे जाहिर सी बात है, अब जो है उसके आपने कितना नॉलेज अक्वायर किया, इसके लिए आपको टेस्ट भी देने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना है। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं बोलूँगी ना कि सिंपल है। कैसे प्रोसेस सिंपल है अभी दिखाती हूँ। ये देखो इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको हमारी वेबसाइट पे आ जानी है। देखो अब जब आप इस वेबसाइट पे आओगे आपको यहाँ कोर्स का सेक्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब आपको देखो यहाँ पे कि मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है ये आपको जो दिख रही है, ये जो कि हमारी 4999 की कोर्स थी, ठीक है, जो कि आपको मिल रही है 1399 रुपीज़ में। देखो कितना, मतलब बोलते हैं ना कितना कम प्राइस है आपका। और उसके बाद देखो ये जो है आपके जो बच्चे 12th में हैं, जो ड्रॉपर में हैं उनके लिए, ओके। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए ये वाली बैच है, ओके, जहाँ पे आपको ये मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज आपको 999 में मिल जाती है, जिसकी प्राइस भी हाँ 5000 थी, ओके, मतलब उसे बोल सकते हैं ना, मतलब 4999, ओके। अच्छा अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि दी मुझे ना इंडिविजुअली चाहिए, मैं ना सिर्फ ना टेस्ट सीरीज में लेना चाहता हूँ, मैं क्लास 11 का हूँ और मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, तो मेरा कहना है बेटा देखो ये जो है आपकी 2499, ओके, इतनी इसकी प्राइस रही और ये आपको मिल रही है 599 में। बताओ कितने अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही है, आप इसको ले सकते हो। अगर आप ड्रॉपर बैच से हो, 12th से हो, तो भी आप देखो 999 में आपको जो है हमारी अंजनेय टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। अच्छा अब आप मेंटोरशिप अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो वह भी आपको अवेलेबल है। अब इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है जी, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना है, मैं तो कहूँगी कि आप ना कॉम्बो की तरफ जाओ, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। फॉर सपोज़ कि आपने ना, सपोज़ करो कि आपने ये वाली मेंटोरशिप जो है प्रोग्राम मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज वाले को आपको लेना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप आराम से वहाँ से पेमेंट करके आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। अच्छा अब मान लीजिए किसी तरीके का होता है कि किसी बच्चे को डाउट है, ओके, कि दी मुझे और मुझे कुछ चीज़ें जाननी है या फिर मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, जो भी चीज़ है,
आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन देख रहे हो, आपको इस पे फटाफट से क्लिक करनी है और अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी मैसेज है, आपको डाल देनी है। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। हाँ, लेकिन कॉल करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कम्युनिकेशन उतनी अच्छे से जल्दी हो नहीं पाती है, क्योंकि कई बार टीम जो है वो अलग मतलब अपने काम में बिजी रहते हैं। आप उसके बाद अगर हमारी तरफ से अगर आपको कॉल किया जाए तो आप उस वक्त अवेलेबल हो नहीं हो, इस वजह से कोशिश करना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, अच्छा, अब हमारे कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि बोलते हैं कि दी मुझे ना आपकी लेक्चर जो है ना वो ना एक कंपाइलेशन में चाहिए, जहाँ पे एक साथ मुझे सारे लेक्चर आप मतलब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं कहूँगी बेटा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है ना सॉल्यूशन, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। क्या है कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे और आप हमारी टेलीग्राम चैनल को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ओके, तो जैसे ही आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करती हो, वहाँ पे बेटा आपको एक पिंड मैसेज मिल जाएगी जिसको आपको क्लिक करनी है। तो आपको वहाँ पे ना एक एक्सेल शीट खुल जाएगी, ठीक है, एक एक्सेल शीट खुलेगी जिसमें हमारे अब तक के जितने भी लेक्चर हैं बेटा उसका आपको ट्रैकर मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। रही टेलीग्राम के नोट्स की बात, तो मतलब रही आपके स्टडी नोट्स की बात, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। और तो और अगर हम बात करें कि कई बच्चे हमसे ये कहते हैं कि दे एक बात बताओ, आप अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में, आप अपने जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसमें क्या कुछ देते हो, तो मैं कहती हूँ मैं आपको वह चीज़ प्रोवाइड करवाती हूँ जो कहीं आपको नहीं मिलता। आप बोलो ऐसा क्या है भाई, आप क्या नीट का रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हो? मैं बोलूँगी नहीं नहीं नीट का रिजल्ट प्रोवाइड करवाना होता तो भाई क्या बात ही थे, नहीं मैं वो नहीं करवाती, बट मैं इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करती हूँ कि जिससे आपके नीट के एग्जामिनेशन में, बोलते हैं ना, आपका सिलेक्शन होना जो है एक लेवल अप हो जाएगा। कैसे, समझो, आप में से कई बच्चे जो है, जैसे आपकी लेक्चर कंप्लीट होती है आप इधर उधर दौड़ते हो कि यार मेरे को रिवीजन नहीं हो रहा, मेरे को रिवीजन नहीं हो रहा। बेटा उसके लिए हमारे यहाँ ऑडियो ऑडियो जो पॉडकास्ट रिवीजन लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, जो कि जिसकी लेंथ मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट ऐसे होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी चैप्टर के लेंथ के ऊपर। तो हर एक जो सेशन है ये आपके 5 मिनट 10 मिनट ऐसे होते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप मान लीजिए कि बड़ा से बड़ा जो लेक्चर है उसको आप आधे घंटे में, बस कान में आपको हेडफोन लगानी है, हमारी नोट्स अपने सामने रखनी है और मेरे साथ जो है वो रिवाइज करते चलना है। मतलब आप जो है ना जैसे म्यूज़िक सुनते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से कान में लगाओगे हेडफोन और अपना जो नोट्स है हमारी वो सामने रखोगे और उसके बाद लाइन टू लाइन आप उसका क्या करोगे, रिविज़न करोगे। अब बताओ है ना कायदे की चीज़, तो कायदे की चीज़ है और फ़ायदे की भी चीज़ है। तो देर मत करो और फटाफट से जो है हमारे बैच में इनरोल हो जाओ, तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा ही होगा ना। चलो, तो अब तो अभी तक ये बात रही, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो ये रहा हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। इसके अगर कॉमन प्रोटीन के हम ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि दी, या फिर अगर आपको दिमाग में ख्याल आता है कि दी ये टर्शरी स्ट्रक्चर मेरे को कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि आपके सेल में मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं उनमें ये टर्शरी स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। तो हम कहेंगे कि मोस्ट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन सेल हैव अ टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, ओके। चलिए अब जो है ध्यान देंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होने वाला है दैट विल बी द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने जो है क्या कुछ पढ़ लिया, अब तक हमने जो है पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम लोग जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। आ जाए, क्वार्टरनरी
स्ट्रक्चर आ जाइए, देखिए इनकी बात अगर करें तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा, ध्यान देंगे, ये दो या उससे ज़्यादा प्रोटीन, जो आपके टर्शरी प्रोटीन के जो चेन होंगे उससे मिलके ये बने होंगे। तो हम कहेंगे कि दिस इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रोटीन चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन भी आप लिख सकते हो, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ओके, ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर यूनाइटेड बाय, यूनाइट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब कि दो या उससे ज़्यादा वो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर के पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलेंगे, मिल करके ये क्या करेंगे, जब अलग तरीके का बॉन्ड बनाएंगे उसे हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगी, ठीक है, वो मे बी सिमिलर हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। तो हम लोग इनके बारे में हम लोग लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे कि ये प्रोटीन जो हैं आपके, ध्यान देंगे, यस, हाँ जी, हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो हम लोग हमने कहा अभी, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स मे बी सिमिलर और डिफरेंट। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ओके, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। इनमें कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि एक और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, तो समझिएगा कि जिस तरीके से प्रोटीन्स जो है वो कैसे बने हैं, अमाइनो एसिड्स के आपस में लिंक होने की वजह से, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर इन प्रोटीन पे किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट पड़े, लाइक मान लीजिए इनके सराउंडिंग पीएच में चेंजेस हो जाए, या फिर टेम्परेचर में चेंजेस हो जाए, प्रेशर में चेंजेस हो जाए, या इनका कोई हैवी मेटल के सामने एक्सपोजर हो जाए, उस सिचुएशन में हो सकता है ना कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए, और इस तरह की चेंजेस जो है ये ही काउज करते हैं आपके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि इनके अमाइनो एसिड्स जो है वो अपनी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और एक नया स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
लिखेंगे डीनेचुरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, नहीं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ना, चलिए इनके बारे में हम क्या बोलेंगे, कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है आपके होते हैं किस वजह से, देखेंगे कि एक तरह का ऑल्टरनेशन है, ठीक है, इट इज द ऑल्टरनेशन इन द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन ड्यू टू चेंज इन pH salt heavy metals temperature प्रेशर एट्सेट्रा, ठीक है। ये क्यों हो रहे हैं, तो ये आपके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके आसपास की जो सराउंडिंग है इनमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ओके, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज सॉल्ट की जगह हम लिख सकते हैं कि एक्सपोजर यहाँ पे लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है, नहीं तो कई बच्चे बेचारे समझ नहीं पाएंगे ना। एक्सपोजर्स टू हैवी मेटल्स, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिए कि इनमें होगा क्या, कि एक बार इसमें प्रोटीन, आपकी जो प्रोटीन जो है इनके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगी, चेंजेस होंगी। कैसे चेंजेस होगी, तो जैसे ही इनके आसपास का मीडियम जो है वह चेंज होगा, ओके, तो इस वजह से इनके कॉन्फिग्रेशन जो है ये चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ड्यू टू change in surrounding of proteins causes change in configuration चेंज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन जो कि क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दैट इज डिस्ट्रॉयड। ओके, और इस वजह से ध्यान देंगे, इस वजह से प्रोटीन जो है ये क्या हो जाएंगे,
कई बार ऐसा होता है कि इनमें जो चेंजेस जो होंगी ना वो परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मतलब आप उनको ना आप उनको दोबारा पुराने वाले फॉर्म में नहीं ला पाओगे। उसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मीडियम आपकी स्ट्रांग है, इफ द चेंज इन मीडियम इज स्ट्रांग और लंबे समय तक अगर है एंड प्रोलॉन्ग्ड, देन डीनेचुरेशन इज परमानेंट। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, अगर आपने कभी परमानेंट अगर आपने कभी एग को देखा होगा, तो एग जब नॉर्मल फेज में होता है आप देखोगे उसके अंदर जो है वह जेली काइंड ऑफ लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस जो है वो भरे होते हैं ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम एग को बॉईल करते हैं, तो जैसे जितने लंबे समय तक हम उस एग को हीट के कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, उसको बॉईल करेंगे, वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वह क्या हो, बेसिकली उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वह क्या हो जाते हैं, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या होने वाला है, व्हेन वी कुक एन एग, द प्रोटीन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ सॉलिड, ठीक है। प्रोटीन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब दोबारा आप इसको सॉलिड से लिक्विड तो बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये जो चेंजेस रही, ये जो डीनेचुरेशन रहा, ये कैसा रहा, परमानेंट डीनेचुरेशन रहा। ध्यान दीजिएगा, यह जो चेंजेस जो रही ना बच्चे, ये डीनेचुरेशन जो है ये परमानेंट क्यों रही, क्योंकि आपने लंबे समय, अब ऐसा तो नहीं है ना कि गर्म पानी में आप एग को डालते हो, डाल करके तुरंत निकाल लेते हो। जितने ज़्यादा टाइम तक आप उसको क्या करते हो, छोड़ते हो उस गर्म पानी में, उतने समय तक आपके जो एग में मौजूद जो प्रोटीन होती है इनका डीनेचुरेशन होता है। मतलब कि इनकी जो सेकेंडरी टर्शरी जो इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉयड होने के वजह से उनका जो एग्जैक्ट जो उनका स्ट्रक्चर जो था, उनका जो पहले का जो फेज जो था, वह आपका पहले जैसा नहीं रह जाता है। बात समझ में आई, तो इसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ अ प्रोटीन पढ़ के इस चैप्टर को जो है कम्प्लीटली रूप से ख़त्म करेंगे। तो आज हमने क्या कुछ देखा, आज हमने बीटा प्लेटेड शीथ का स्ट्रक्चर देखा, देन आफ्टर हमने इसके एग्जाम्पल को समझा, देन आफ्टर हमने टर्शरी स्ट्रक्चर देखा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखा, और फिर हमने देखा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी भी कहूँगी कि टाइम जो है गया नहीं है, टाइम है आपके पास, फटाफट से जो है हमारी टेस्ट सीरीज मेंटोरशिप बैच में जो है इनरोलमेंट ले लीजिए। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि 1 सितंबर से जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनकी टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट से इनरोलमेंट आप लोग ले लीजिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।